कहते हैं हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। हमारे हिंदी सिनेमा में भी ऐसे कई महान कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपनी कला एवं संस्कृति का ऐसा बेजोड़ नमूना पेश करते हुए अभिनय की बारीकियों को बड़ी ही खूबसूरती से दुनिया तक पहुंचाया है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे ही महान कलाकार और अभिनय के बादशाह कपूर खानदान के शीर्ष पृथ्वीराज कपूर से हमारे इस खास कार्यक्रम वो सुहाने दिन में, जिन्होंने अपनी सच्ची कला से हर सिने प्रेमी के दिल में आज भी अपनी जगह बना रखी है। दोस्तों, आज के समय में कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी अपनी कला का परचम लहरा रही है। बात रणबीर कपूर की हो या फिर करीना या करिश्मा की, ये सभी हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देकर आज भी अपने परिवार की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। इस चौथी पीढ़ी से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे इस खानदान की पहली पीढ़ी यानी पृथ्वीराज कपूर साहब की, जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की भी नींव को मजबूत किया। पृथ्वीराज को हिंदी सिनेमा में पापा जी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के पितामह यानी पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। पृथ्वीराज को बचपन से ही कला और अभिनय में रुचि थी, जिसके चलते वो कई नाटकों का भी हिस्सा बनते रहते थे। 1927 में पृथ्वीराज ने पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से बीए किया। उसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की ताकि वो वकील बन सके, लेकिन उनका ध्यान अभिनय की ओर इतना ज्यादा रहा कि वो वकालत की परीक्षा में असफल हो गए और 1929 में अपने सपनों को नई उड़ान देने माया नगरी बंबई की ओर निकल पड़े। वहां वो इंपीरियर फिल्म्स में भर्ती हो गए। उस समय मूक फिल्मों का जमाना था। अपनी पहली फिल्म में तो ये एक सपोर्टिंग रोल में नजर आए, लेकिन दूसरी फिल्म सिनेमा गर्ल में इन्होंने मेन लीड का किरदार निभाया। कई मूक फिल्मों में काम करने के बाद साल 1931 में दौर आया बोलने वाली फिल्मों का, और पहली ही फिल्म आलमारा में पृथ्वी ने मुख्य किरदार निभाया। वो इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आए। 1937 में आई फिल्म विद्यापति में इनके काम की काफी सराहना की गई। 1941 की फिल्म सिकंदर ने तो जैसे कमाल ही कर दिया था। पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार फिल्म नहीं बल्कि थिएटर था। आलम यह रहा कि 1944 में उन्होंने अपना खुद का पृथ्वी थिएटर्स खोल लिया, जिसमें उनका पहला नाटक कालिदास का अभिजान शकुंतलम काफी पसंद भी किया गया। इनका थिएटर एक मूविंग थिएटर था, जिसे वो पूरे देश के अलग अलग जिलों में लेकर घूमते और नाटक करते। लेकिन 1950 आते आते ये बात साफ हो गई कि रंगमंच से पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है। उनके थिएटर में काम करने वाले कई कलाकारों ने भी अपना रुख फिल्मों की ओर कर लिया था, जिसके चलते 1960 में उन्हें पृथ्वी थिएटर्स बंद करना पड़ा। उसी वर्ष आई फिल्म मुगले आजम में निभाए उनके बादशाह अकबर के किरदार को भला कौन भूल सकता है। ये फिल्म एक एवरग्रीन ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे राज कपूर और शम्मी कपूर के साथ भी फिल्मों में काम किया। उन्हें अपने इस दिग्गज अभिनय के चलते भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि कैंसर की बीमारी के चलते पृथ्वीराज ने 29 मई 1972 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेटे शशि कपूर ने अपने पिता के सपनों को नए पंख दिए और 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर्स का उद्घाटन किया। सिनेमा जगत का ये लेजेंड भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।